सिर्फ एक टर्म आया है और उस टर्म पे बेस पूरा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन क्या है कि दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड इफ दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन बाय डेफिनेशन सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, ठीक है, उस सम इज 180 डिग्री, यस और नो? जी सर, ठीक है, सप्लीमेंट्री बेटे पेयर ऑफ एंगल्स को हम बोलते हैं, टू एंगल्स को बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम 90 होता है, बट सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, विल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर और स्मॉलर में डिफरेंस 18 का है, बट स्पेशल बात क्या है कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देयर सम इज 180। सर आगे आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर या लार्जर स्मॉलर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर हो गया सर। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। एक्स एंड वाई, तो व्हाट इज गिवन? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, माइनस आएगा, ठीक है। तो x माइनस y इज इक्वल टू, सॉल्व कर सकते हैं अब, यहाँ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, सीधा एलिमिनेशन कर देंगे, है ना? जी सर, सबट्रैक्ट। यस, तो यहाँ पे आप ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, जो भी आप करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 198 एंड x विल बी व्हाट? 99। y को प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15, 1, ठीक है, तो y कितना आएगा हमारे पास? 99 माइनस 18 कितना आया भाई? 81। That's it, ये हमारे पास। गुड।